Hey guys, my name is Omkar. My name is Kunal. I'm Sushant. And you're watching Blitzkrieg! So, आज हम वीडियो देखेंगे Rose on the ground. Okay. No, it is not okay. She's on the ground. म्यूजिक वीडियो उनका सो लेट्स सी लेट्स गेट स्टार्टेड. चालू करने से पहले पहली कहते हैं तो प्लीज टेंशन नहीं ले, ठीक है? और बाकी हमारे वीडियोस भी देखना जरूर, ठीक है? लेट्स गो. व्यूज बढ़ते जाओ, व्यूज बढ़ते जाओ. ये वारदात वाला है, बढ़ते जाओ. ऐसे बढ़ने चाहिए, ऐसे गौर से देखे. ऐसा सिचुएशन किधर होता है पता है क्या गाइस? पुणे में कोई रहेगा तो पता है, तुलसीबाग में ऐसे होता है लड़कियों के साथ. एवरीथिंग इज ऑन द ग्राउंड. पूरा आग जलाते बर्बाद हो जाते, ऐसे घूमते इधर उधर, बाद में फिर से यही सिचुएशन रहती. नहीं, गाने की वाइब से कुछ अलग थी, थोड़ा सैडिस्ट था ऐसा लग रहा, थोड़ा ज्यादा नहीं, बिल्कुल सैडिस्ट नहीं. मेरे को एक्चुअली ना थीम रेजोनेंस नहीं हो. हाँ, मुझे भी इमोशन ऑन इमोशन, मुझे थोड़ा बहुत बोलते ना हिट नहीं किया. वो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा मेटियोर आने के बाद कुछ अलग थीम होगा, लेकिन ये लव का थीम निकला. बोला ये लव का थीम कैसे निकला? नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, होगा जरूर कुछ ना होगा. बट वाइब्स अच्छे थे, बीट अच्छे थे, बीट्स एकदम अलग थे. बीट्स अच्छे थे और
म्यूजिक भी थोड़ा डिफरेंटली ऐसा कर्व लग रहा था। हाँ, इस बार गाना चल रहा है और म्यूजिक एंड में थोड़ा बहुत कुछ अलग लग रहा है, ऐसा ही था। मेट्रो लग रहा था, थोड़ा सा डार्क साइड बोलते हैं, सैड साइड वो टाइप था। हाँ कि सब कुछ शी इज हैविंग एवरीथिंग बट बोलते ना सेटिस्फाइड नहीं, वो टाइप लग रहा था। वो एक ही मतलब मुझे लगता है कि लाइन उसमें थी कि जो रिपीटेड थी, वो क्या कि जो ऊपर पे जाता है वो इतनी स्पीड से नीचे आता है। कुछ ना कुछ तबाही हुई है, तो उन्होंने तबाही की सराउंडिंग कुछ और सीन्स पकड़ने चाहिए थे रादर देन उसने बहुत परफेक्ट सीन्स पकड़े थे। गाड़ी में एकदम परफेक्ट गाड़ी में बैठी है, परफेक्ट है everything is very like end में भी देखो वो flower के साथ है लेकिन सब कुछ perfect है like then why meteor thing ना वो मेरे को psychic वाली feeling आ रही थी, वही गाड़ी में जा रही थी बर्बाद हो गया उसको झूला झूल रही थी। हाँ नहीं वो ये ही अच्छा था वो सीन देखो एकदम मस्त था कि हाँ बर्बादी के बीच में वो ये कर रही है और जो flower था उसको क्या हाल था वो अच्छा लग रहा था वो अच्छा था वो भी अच्छा लग रहा था अच्छा था बस वो चोरी में पसंद इनकम्प्लीट नहीं है। हाँ मतलब गाने के साथ हम भी मुझे नहीं लगा कि इतना करेक्ट होता है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो समझ नहीं आता। मे बी समथिंग वी हैव सम डेफिनेटली मिसिंग सम कॉन्टेक्स्ट या डेफिनेटली कुछ तो कॉन्टेक्स्ट मिस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गाना ऐसा मेट्रो म्यूजिक और कुछ नया नए के हिसाब से अच्छा लगा, सुनने में मजा आया तो बस थोड़ा वाइब्स अच्छे बीट वाले वाइब्स अच्छे। अगर मैंने बीच में ही बोला था ना बीट्स जैसे लगे मैं भी ऐसा रिएक्ट नहीं कर पाया, अलग ही कुछ तो सुनो मैंने कुछ। अगर हम वीडियो नहीं देखते ना तो शायद मुझे ऐसा गाना भी काफी एकदम चिल लगता था। हम लोग लिरिक्स पे ध्यान देते थे, मेरा ध्यान उस पे था। ये थोड़ा मैच्योर टाइप लगे। पिछला गाना हमने देखा मनी वाला, जैसे तूने बोला ना कि 18 ईयर्स की टीनेज टाइप, ये थोड़ा मैच्योर लगा कि टीनेज के बाद एक फेज आता है ना जिधर, वो एक फेज लगा मुझे कनेक्ट किया मैंने। तो exactly कनेक्ट हुआ नहीं हुआ वो ऐसा एक शेड्स दिखा रहे डेफिनेटली। लेट अस नो मतलब कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि क्या कॉन्टेक्स्ट हम एक्चुअली मिस कर रहे हैं, क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ लाइफ मे बी उनके उसके लाइफ के रिलेटेड कुछ होगा, यू नो लाइफ या फेम बोलते हैं या फिर हां रहता ना कुछ कुछ लोग रहते हैं कि सब पा लिया अभी बट उग गए वो ये चीजों से उग गए दे ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है इट डजंट मैटर काइंड ऑफ। हां मतलब ये भी गलत हो सकता है बिल्कुल। हां वी शुड बी काइंड ऑफ मिस द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट बिकॉज़ ऑफ सॉरी फॉर इट एक्चुअली बट नो बिकॉज़ ऑफ वो इतनी खूबसूरत है मैंने उधर गया दिस इज अ गुड रीजन दिस इज एक्चुअली द रीजन। तो ये मैच्योर लगा पता है म्यूजिक देखना म्यूजिक देखो मेट्रो और ऊपर से वो सच में ऐसा थोड़ा बड़े ऑडियंस का हां वही मेरे को लग रहा है म्यूजिक से समझ आ जाएगा कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहेंगे सेट सिंक है ना अलग ही था टोटली डिफरेंट शायद हो सकता है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैच नहीं कर पाए। वेरी मच ट्रू वेरी मच। मेरा ध्यान नहीं था उतना लिरिक्स पे इसके लिए आई कुड नॉट कनेक्ट। तो हम कुछ लोगों को ऐसे बोल सकते हैं कि जो सीन चल रहा था और जो लिरिक्स था और जो म्यूजिक था मे बी वन वी कम कहीं तो कहीं डिस्कनेक्ट हो गए। कभी लिरिक्स अलग था और बैकग्राउंड अलग था तो कभी लिरिक्स अलग था और म्यूजिक का अलग सा ही हो रहा था तो मे बी काइंड ऑफ वी आर फीलिंग दिस वे। तो एनीवे आपको कैसा लगा बता प्लीज। आपको अगर ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब तो जरूर करना मुझे पता आपने ऑलरेडी किया होगा और बेल आइकन क्लिक करिए ऐसे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे हमको देख पाओगे रोज ही के और वीडियोस देखने में जरूर आना हमारे चैनल पर। नौ शिव भी आप दस टाइम रोज ही नहीं बाकी सारे भी वीडियोस हैं वो भी देख लेना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल। Thank you.